कितनी दूर है। प्रेम की राह होती ही है ऐसी, रास्ता जितना लंबा होता है राही उतने नजदीक हो जाते हैं। और ये क्या, हम क्यों हमेशा उजाड़ खंडरों और सुनसान टूटी हुई इमारतों में घूमते रहते हैं? जानते हो, यहाँ का एक एक खंबा, एक एक खिड़की, एक एक ईंट, जैसे जैसे कहानी सुना रहे हो। क्या हुआ? कांटा। एक मिनट। सपना, हम शादी नहीं करेंगे। अरे क्यों, प्रेम सारा खत्म? ऐसा नहीं, हम शादी कर लें तो हम भी आम लोगों की तरह बेनाम रह जाएंगे, जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं होता, जीवन में कोई मोड़ नहीं होता। और ब्याह न करें तो? प्रेम अधूरा रह गया तो ही हमारी कहानी बनेगी। तो हमारी सिर्फ कहानी क्यों बने, इतिहास क्यों नहीं? वाह, जिसका हीरो मैं रहूंगा और हीरोइन तुम। मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्व देवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः येष देवासुर गणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापति। आंखें नहीं, इंसानियत कुछ नहीं, देख नहीं रही है? मैं इधर जब कर रहा हूं तो अंडे के गंदे छिलके फेंक रही है। पापी पापी महापापी। क्या इन्हें क्या उन तले? क्या क्या है जी, किसे धमका रहे हो? ये तो वही मिसाल हुई, तुम आंखें बंद करके जब कर रहे थे, वो हवा से उड़कर आ गए, तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हारी खातिर हम अंडे छोड़कर तुम्हारी तरह घास खाना शुरू कर दे क्या? हम भी घास नहीं खाते, घास खाती है तेरी अकल। क्या अयो அவதான் அப்படி கத்துறானா? நீங்களும் ஏன் இப்படி சத்தம் போடுறீங்க? நீங்க வாங்க உள்ள. நானா சத்தம் போடுறேன்? அவன்தான் முட்டை உடைச்சு வீசிட்டு கத்தி நடக்கறாங்க. ஏ ஜி, தும் கே சமஜ்தே ஹோ? தும் மதாசி மே காலி தோகி தோ மே நீ சம்ஜுங்கி? மே தும்சே ஹார்னே வாலி நஹி, மே பி சத் பே சட்கே காலி பே காலி தூங்கி, கே சம்ஜே? இட்லி, வடா, சாம்பார்,
भेड़ी चपाती। अम्मा ताए हम गाली नहीं दे रहे जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ये झगड़ा किस लिए नींग वांग उल्ल है। हाँ 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 तौबा तौबा, ये वही मिसाल हुई, ये अगर हमारे पड़ोस में नहीं रहना चाहते तो जंगल में जाकर डेरा डाले, फिर वही बक बक वही चिल्ला चिल्ली। तुम तो कद्दू की तरह पड़े रहो कुर्सी पे, मुंह पे ताला लगाए हुए, वो कैसे मदरसे में चिल्ला रहे सुना नहीं तुमने? चिल्लाने दो चिल्लाने दो, मद्रासी हैं, कहते हैं चिल्लाते नहीं लेकिन चिल्लाते ही रहते हैं। हाँ हाँ वो चिल्लाएंगे तो मैं क्या चुप बैठने वाली हूँ, काट न खाऊंगी मैं। मालूम है वो टकाल टकाल, तुम धमाल धमाल। कोई पत्थर से सर फोड़े लेकिन तुमसे बात न करे, मैं कब से बोले जा रही हूँ। खोलने की देर नहीं, टाइम पीसी डाल देती है मुंह में, अच्छा तरीका निकाला है हमारी बेटी ने। हेलो सपना, गुड मॉर्निंग, क्या चाहिए? प्रोफेसर मुंशीराम की नोट्स आ गए हैं। सब्जेक्ट रोमियो जूलियट? नहीं, लव्स लेवर लॉस्ट, चाहिए तो है? वो नहीं चाहिए। एक मिनट सपना, एक मिनट, ये देखो बहुत दिलचस्प किताब है, देखो देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सफाई कीस, क्या कहती है तस्वीर? तुम्हारी माँ की है। ए बाबू, बोर्ड नहीं देखा क्या? उठा नहीं जाता, औरत आके खड़ी हो जाए तो भी नहीं। अरे वाह, कुछ बोलो तो चिल्ला उठेंगे, बस को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे। उठो। बेचारा मालूम होता है हिंदी नहीं जानता। ये बात है बाबू, ये सीट नॉट मैन, ओनली लेडीज बिलोंग्स। ओ ओ सॉरी लेडीज। चलो चलो ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरा मेरा बीच स्टॉप मेरे सर पे है, वो तो कभी का चला गया, आगे दोना पुला है वही उतर जाओ। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये बस तेरा बाप का नहीं है, जहाँ चाहे रोक लो प्लीज। आई हैव, अरे ये बस यहाँ नहीं रुकेगी, दोना पुला तक तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चिल्लाते क्यों हो, किसी ने खून कर दिया क्या? थैंक यू सर। जाने कहां से आ गया कासान का बेटा। राइट राइट, वासु என்னடா கண்ணா லெட்டர் கிட்டு போடாமே திடீர்னு வந்து நிக்கிற? முதல்ல நான் வந்துட்டேன், லெட்டர்ஸ் கமிங் பிஹைண்ட் மீ. வாடா கண்ணா, வா வா வா. என்னையா ஜெகநாத் ஜி திரு திருன்னு முழிக்கிற? ஜி बहुत सारे जोकर आ गए हैं क्या? ओ नहीं शाहजी, जोकर के दर्शन किए तो एक साल हो गया। यार वंदरका ने पारंगो? என்னடா இது திடீர்னு? कौन है जी? ये हमारा बेटा है। ओ सुपुत्र, एडा லீவுல வந்திருக்கயா? இல்ல, குட் பை டு மெட்ராஸ். एडा जॉब என்னாச்சு? गुड बाय टू जॉब। नेम क्या है जी पुत्र का? वासुदेवन एस। वेरी गुड, मेरा नाम जगन्नाथ है, इस मकान का मालिक हूँ, किराए लेने आता हूँ, दे के चला जाता हूँ पत्तों में, और कोई काम धंधा नहीं है। वेरी गुड, पन्नू पुरी ले। समझ गया। चलो जी पत्ता खेलो। खेलूं कैसे जी, ये साहब बहादुर नौकरी छोड़कर आ गए हैं। डिसमिस रिजाइन। रिजाइन என்ன திமிருடா உனக்கு? திமிரு எனக்கு இல்லப்பா, என் முதலாளிக்கு தான். நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா? கண்ணா பண்ண திட்டலாம், போயிட்டு வாடான்னு வந்துட்டேன். என்ன வேலை கிடைக்காது இந்த காலத்துல, அறிவு இருக்காடா உனக்கு? அறிவு எனக்கு இருக்குப்பா. ஐயோ வந்த உடனே என்ன இந்த கலாட்டா, நீ வாடா கண்ணா உள்ள, பல் தேய்ச்சிட்டு வாடா.
इतना खूबसूरत और आपका बेटा? खूबसूरत है नहीं, खूबसूरत पड़लंगा है? देखा आपने दिन कैसे आगे है, मैंने बी काम करवाया, अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई, मालिक ने जरा ऊंची नीची बातें कह दी, ये नौकरी उसके मुंह पर मारकर चला आया। बाप बड़ा जागीरदार है ना? बाप पे गया है ना, वो सुना है ना आपने, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हो तुम देखा भी और देख के आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, तुम्हारे पड़ोसी का क्या हाल है जिसके गुस्से में तुमने टांग तोड़ दी थी? बेचारा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप का अकेला बेटा है? वो जो मेरे पीछे पड़ा है, मैं उससे जान छुड़ाने के लिए तुमसे पुरानी पहचान जता रही हूँ, तुम भी कुछ और ना समझ लेना। हाँ, अपने गोवा के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पैदाइशी वॉलंटियर, लड़कियों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं। एक आध दूसरी रकम का भी होता है, जैसे वो इंसान कम हैवान ज्यादा, जी चाहता है पत्थर उठाकर फेंको उस पर। भाग गया कायर, आई एम सॉरी, आपसे डर गया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता, मुझे इस रास्ते से आना जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, ये शॉर्टकट है, वो रहा मेरा कॉलेज। अच्छा, लेकिन आप भाग क्यों रहे थे इस तरह, आप गूंगे हैं? ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है, आप बिल्कुल बोल आ आ हिंदी नहीं फिर तमिल, तमिलियन। ओह, जो भी हो, आप मेरे लिए फरिश्ते हो। फरिश्ते मद्रास। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए लड़कियों को कराटे सीखना जरूरी है। अगर समझ कहीं से कोई गुंडा आ गया, तुमने उसे देखा, उसने तुम्हें देखा, वो रुका, तुम रुके, वो तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा और तुमने शुरू किया टकाल टकाल, धमाल धमाल। कराटे बनाया गया है आत्मरक्षा के लिए। मैं नहीं जानता कराटे जापान में जन्मा था या हिंदुस्तान से वहां गया। तुमने वो ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन देखी है ना? वो सिर्फ हाथ उठाता है तो हाथी जैसा आदमी हवा में उड़ जाता है और ध्यान से जमीन पे गिर जाता है। क्यों? एक्सक्यूज मी सर, मोटरबाइक ट्रबल, प्लीज हेल्प पुश। हू मी? यस सर। ओके, थैंक यू। राइट, रेडी सर, पुश पुश, या a little more faster please. Right. मेरा नाम वासु, तुम्हारा नाम क्या? ब्यूटिफुल। कब का खत्म हो गया? आप लोग अभी तक गए नहीं? हाँ हाँ, जाता है जाता है, तुम्हारा अस्पताल में हमको अखी रात नहीं रहना। ना वरेंडा करना, काले ले काफी ओड़ वरे, नल्ला काफी कुंडो। यहाँ तो किसी को काफी बनाना भी नहीं आता, वरे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक्स आप उस लड़की के लिए बचा के रखिए जिसने ये फूल भेजे हैं, मैं तो सिर्फ लाई हूँ। तुम्हारा नाम अच्छा है, मेरा
सपना हाय कैसा हाय हाय। हेलो सपना, इधर है वीडू। वीडू क्या? ओह हाउस, दैट्स माय हाउस। ओह वो हमारा मकान है। रेडफोर्ट? हाँ माय वीडू। ओह दैट मटन फैमिली। सॉरी सॉरी, हम एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं। तुम क्या काम करते हो? आई मीन व्हाट्स योर जॉब? Oh, my job. Now? Washing clothes. This is your letter. This is my father. Oh, bye. Thank you. Oh, hello. नल्ला रखिए। मतलब? I'm sorry. मतलब? नल्ला रखिए means. जगन्नाथ जी देखा, हमारे नाक तो जल गए हैं इनके खानों की बदबू से। एक दिन अंडा, एक दिन मटन, एक दिन मुर्गी। क्या डेली एक मर्डर किए बिना इनको खाने का स्वाद नहीं आता क्या? आप भी बताइए जगन्नाथ जी, हम इस घर में रहे या तो खाली कर दें। एक बड़ा प्रॉपर्टी है, करने दो खाली, जान छूटेगी। ये तो वही मिसाल हुई, वो किराएदार है, हम घर के मालिक है। मैं अपने घर में जो चाहूंगी करूंगी। अंडा क्या चीज है, गुस्से में मैं अपने पति को तल के खा जाऊं, ये कौन होते हैं पूछने वाले? अम्मा परदे होते, अपने पति को जिस तरह खाना है खाओ, लेकिन हमें जीने दो। तुम अपनी रसोई दूसरी तरफ क्यों नहीं ले जा सकते? तुम अपना सर काट के अलमारी में क्यों नहीं रख सकते? रसोई वही रहेगी, हम अपनी रसोई इन तमिल वालों के लिए कहीं और उठा के ले जाए। जब देखो तुम तमिल और हिंदी का झगड़ा शुरू कर देती हो। मुझे मालूम है सब हिंदी वाले तुम जैसे नहीं होते। मुझे नहीं मालूम है सब तमिल वाले तुम जैसे नहीं होते। हाँ Thank you.
waters in a name, that which we call a rose, by any other name, would smell as sweet? Hmm. हम गुलाब को गुलाब ना भी कहें, तो गुलाब कोई और फूल बन जाएगा क्या? जो बात नाम की है, वही बात जात की है। ये तो हमारे दिमाग की पैदावार है, हमारे शरीर का अंग नहीं, जैसे सर, हाथ, पांव, नाक, कान। You understand? जब तुम अपने आप को मैं कहती हो, तो इस मैं में कई चीजें शामिल होती हैं। शरीर, आत्मा, दिल, दिमाग। नाम तो सिर्फ एक लेबल है। जैसे रोमियो को हम रोमियो ना भी कहें, तो भी वो रोमियो ही रहेगा। जूलियट का प्रेमी। दूर क्यों जाती? तुम्हारी माँ मुझे नाम से नहीं पुकारती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका पति नहीं रहा। So you see, the name is not the thing. The container is not the contents. सपना? इसके माने क्या? मायने ये कि गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुझे नींद आ रही है दादी। All right. As you like it. Vasu plus Tapana is equal to क्या होता है? क्या होता है? Two fools. नहीं, प्रेम। ये कौन सा हिसाब है? ये दिल का हिसाब है। प्रेम कहाँ चला गया अब? खेत में मिल गया। इसमें? ये क्या अनारकली की तरह जिंदा जमीन में काटने की रिहर्सल हो रही है? नहीं, हम अंदर देखता है, अंदर हमारा जैसा दूसरा प्रेमी भी है क्या? यहाँ प्रेमी नहीं, केकड़े मिलेंगे। केकड़े? केकड़े? क्रैब, क्रैब। ओह, क्रैब। What happened, सपना? केकड़ा मेरे आंख पे रेंग रहा है। What? क्रैब, क्रैब। क्रैब नहीं, मेरा हाथ है, मेरा उंगली है। Oh, you dirty rascal! अयो, नाई, नाई, डॉग, कुत्ता, कुत्ता। कुत्ता ही तो है, क्या कर लेगा? जो कुत्ता लोग करता है, हमको लैंप पोस्ट समझ लिया तो? छी। तुम जब भी मुझसे मिलते हो, कहते हो नल्ला इरकिया, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम अच्छा? हाँ हाँ, मैं अच्छी हूँ। तमिल में कैसे कहते हैं? नल्ला इरके। नल्ला इरके? केन, केन, नल्ला। ओह, केन, नल्ला इरकेन, नल्ला इरकिया, नल्ला इरकेन, नल्ला। ओह, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखता तुम कितना अच्छा। छी, भागो यहाँ से। माँ, नल्ला इरकिया। क्या? Yes? 30 दिन में तामिल ये किताब है। हेलो सपना, मैं क्या करूं तुम्हारा? आई मीन व्हाट कैन आई डू फॉर यू? 30 दिन में तामिल ये किताब है। 10 दिन में गर्भ किताब है। औरत माँ कैसे बन सकती है? कितनी जल्दी बन सकती है? ना बनना हो तो क्या तरीका? ये सब उस किताब में है। तामिल तो सिर्फ मद्रास की भाषा है, लेकिन सेक्स सारी दुनिया की भाषा है। उस दिन तुमने कहा था ना, ये मेरी माँ की तस्वीर है। अब देखो कैसी है।
अपड़िया। हा हा हा, जैसे सब समझ गया। सब क्या है? पुरानी अखबार और बेकार कागज रद्दी वालन का बेचन को कहा था। कौन? सपना बीबी। और वो भी? आ, 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 आ,
नहीं, सिर्फ चुमने का जगह गलत था। तो 7 दिन की जुदाई हमें और करीब ले आई। प्यार में 2 things बहुत एक्साइटिंग है, जुदाई और वेटिंग। इंतजार, ये चट्टान एक लड़की डोना पावला के इंतजार का नमूना है। इतिहास ऐसा ही है, एक पुर्तगाली लड़की को एक कुआनी लड़के से मोहब्बत थी। हमारी तरह? हाँ बिल्कुल हमारी तरह। एक दिन लड़की को बहुत दूर समंदर पार जाना पड़ा, मगर ओके कंटिन्यू। समुद्र पार जाना था, मगर वो वापस नहीं आया। क्यों, उसे क्या हुआ, कोई नहीं जानता। मगर लड़की उसका इंतजार करती रही। फिर इस चट्टान पर खड़े खड़े खुद भी चट्टान बन गई। अगर एक दिन मैं चला जाऊं, तुम भी मेरे लिए इस रॉक पर वेट करेगी क्या? मत करेला मना, पहले 7 दिन का लॉस मैं पूरा करना चाहता हूँ। कब, क्यों और कहाँ? अच्छा बाबा, मैं 6 दिन के लिए तुम्हारी बगल में बैठी रहूंगी, ठीक है? 7 दिन का भी जरूरत नहीं, 24 आवर्स। कहीं घूमने चले? ओके, मैं तुम्हें सारा गोवा दिखाऊंगी। ओके, तुम्हारा अम्मा। अच्छा मारिया, देखो मैं माँ को कैसे बनाती हूँ।
I don't know what you say. 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 रोता क्यों है मैम साहब? रोने से घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्या? तो कैसे जाएंगे बोलो? खड़े 11 बजा रही है, बोर्ड 16 किलोमीटर दिखा रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए, घर में झूठ बोल कर आए थे, अभी आधी रात हो गए। घड़ी 5 मिनट फास्ट है। आप पंजन तक लिफ्ट देंगे? यस सर, वी आर न्यूली मैरिड कपल सर, हस्बैंड एंड वाइफ सर। पति पत्नी और मोटरसाइकिल हनीमून के लिए वास्को डी गामा गया था, लेकिन पैकेट कट हुआ सर, पेट्रोल फिनिश सर, 16 किलोमीटर्स मोर सर, माय वाइफ इज वीपिंग सर। मैं भी वास्को डी गामा गया था शादी पर। इतने में चाचा के साथ शादी भी हो गई तुम्हारी? नो सर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम किस लिए जी, ऐसा ही गाली दीजिए। ये अकड़ तुम्हारी, एक जवान लड़की को घर में झूठ बुलवा के इस तरह बाहर ले आना और आवारा घुमाना कोई मजाक है क्या?
आगे तुमने हमारे घर की तरफ देखा भी तो सिर्फ गालियां नहीं बल्कि सपना गाड़ी में बैठो चलो सर इट्स ऑल माय फॉल्ट बेचारा पासू वो गाड़ी के पीछे दौड़ के आएगा हीरो आदमी है ना ड्राइवर गाड़ी चलाओ साहब सुना नहीं गाड़ी स्टार्ट करो We are made for each other. समझे? सॉरी वासु, तुम रात को इतनी दूर पैदल चल के आए पैदल मैं नहीं फिर कैसे आए मोटरबाइक पर और पेट्रोल पेट्रोल क्या क्या जरूरत मैं मोटरबाइक के ऊपर मोटरबाइक लॉरी के ऊपर और लॉरी बाड़ा मेरा पिताजी के ऊपर तुम्हें मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठानी पड़ी तकलीफ नॉनसेंस मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी सब कुछ हमारा अमर प्रेम है ना अभी क्या करना बोलो तुम तैरना जानते हो तैरना व्हाट स्विमिंग अयो कुछ अब देखते हैं अमर प्रेम है ना मच्छी पकड़ने गया था ये मिल गया देख सांस सांस है कि नहीं होश में आओ वासु 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 मान गई वासु मान गई तुम्हारा प्रेम अमर है वासु वाह अरे बाबा हिलो मत ना क्या लिख रहा है मैंने शीशे की तरह चमकती हुई तुम्हारी पीठ देखी तुझे मैं एक प्रेम पत्र लिख दूं कोई जोक लिख रहा है क्या बहुत हंसी आता है अरे बाबा ठहरो ना प्लीज बस हो गया क्या लिखा है खुद ही पढ़ लो बोलो ना क्या लिखा है नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी नहीं ठीक है हम किसी दूसरे को बोलेगा पढ़ो प्रेम पत्र दूसरों से पढ़वाओगे पॉइंट दूसरे को नहीं माँ को बोलेगा माँ को वाई नॉट हाँ अम्मा என்ன வேணும் நீ நார்த் இந்தியாக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு 6 வருஷம் ஆச்சு ஏண்டா 6 சால் ஆச்சு तुम ஹிந்தி படனா மாலும் ஹிந்தி லிக்னா மாலும் என்னடா எனக்கு ஹிந்தி பேசுற முதல்ல बताओ तुम ஹிந்தி பட சக்தி ஹோ थोड़ा 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 தான சரி அப்ப இத थोड़ा पढ़ो मैं तुमसे प्यार करती हूं एक पगली अय्यो यार கண்ட पगली பக்கத்துட்டு பகலி சப்னா அந்த பொண்ணா அவங்க யாரு நாம யாரு இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா இது கேஸ் ஹோ சக்தா நீ நினைச்சா ஹோ சக்தா ஹே அய்யோ அம்மா அம்மா காலங்கமா அம்மா மங்களா அய்யோ ஏ நிம்படா ஏ
மங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க குழந்தைக்கு என்ன தேச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன தேச்சிட்டு இருக்கே இன்னும் 10 வயசு போட்டோம் ஜெகநாத் ஜி இத ராயே ஆயா ஜி देखिए इधर क्या हो रहा है इस 20 बरस के गधे को ये तेल मालिश कर रही है इसकी इस तरह खातिर होती रही तो ये बाहर जाकर नौकरी करेगा तुम नौकरी दिलवाओ ये ना करता है क्या वाह वाह मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सपना मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसी लड़की निकलोगी कैसी लड़की डैडी जैसे तुम निकली हो तुम मेरा गुस्सा जानती हो मैं देख रही हूँ बाप बेटे में क्या ड्रामा हो रहा है बाप मुँह से झूठे अंगारे उगल रहा है और बेटी बड़ी भोली और मासूम बनी खड़ी है तुम कहना क्या चाहती हो माँ मैं कहना नहीं पूछना चाहती हूँ ये क्या है गया तुझे बोल फोटो अच्छी है इसे 10 रुपए दे दो और कहो छुट्टी करे रंगीन होती तो और अच्छी होती अब बता कितने रंग नजर आ रहे हैं बेशरम मैं फोटो के बारे में पूछ रही हूँ उल्टे जवाब दे रही है दिमाग इतना चढ़ गया है मुझे तो अब मालूम हुआ इतने इतने रात बाहर रहकर क्या गुल खिलाती है ये तो पैदा हुई है हमारे माथे पे कलंक लगाने के लिए कल से कॉलेज के बाद सीधे घर ना आई तो टांगे तोड़ दूंगी समझी टाइम अब देख क्या रही है मेरी तरफ दूर हो जा मेरी नजर से The elementary canal consists of the buccal cavity, the pharynx, the esophagus, the stomach, the duodenum, the ileum, and the rectum. Okay, we continue tomorrow. तुमसे मिलने का दूसरा रास्ता कौन सा तुम्हारा माँ बॉडीगार्ड बन गए हमेशा तुमको साड़ी में बांध कर रखेगी मैं क्या कर सकती हूँ वासु हम कर सकते हैं चलो मेरे साथ अभी अभी लंच ब्रेक है हम दोनों साथ में लंच खाएंगे चलो लेकिन माँ माँ तो शाम को आती है ना चलो प्लीज लीव मी सिट डाउन खाना बहुत अच्छा पेट मर गया पेट क्या मर गया मर गया नहीं पापा भर गया भर गया हिंदी रोम बहुत डिफिकल्ट आइसक्रीम खाता नहीं आह नहीं नो मेरा फुल हो गया मयूर मयूर हाँ तुम्हारा मतलब पेट है ना हाँ मयूर नहीं वहीर वहीर इसमें इतनी हंसी की क्या बात है मयूर माने बाल तो भी रुम्ब डिफिकल्ट ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए ओ माय गॉड मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है हिंदी कविता है ना वो मैं तुमको टीच करता हूँ तुम और हिंदी कविता तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता मेरे जीवन साथी प्यार किए जा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन
सत्यम शिवम सुंदरम बेनर वो इंग्लिश है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम झूठा कहीं का झूठा कहीं का हरे राम हरे कृष्णा 420 आवारा दिल ही तो है आशिकों बहारों का तेरे मेरे सपने तेरे घर के सामने आमने सामने शादी के बाद ओ बापरी हमारे तुम्हारे क्या? मुन्ना गुड्डी टिंकू नीली शिंशना की बबला पू खेल खेल में शोर शोर भूल गए जाने मेरा नाम अच्छा? चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम बंडलबान लड़के मिलन गीत गाता चल बेशरम प्यार का मौसम बेशरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा चाचा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम रास्ते हैं प्यार के चलते चलते मेरे हम सफर दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना चलिया अनजाना पगला कहीं का चलिया अनजाना आशिक बेगाना लो पर अनाड़ी बढ़ते का नाम दाढ़ी चलते का नाम गाड़ी बढ़ते का नाम दाढ़ी चलते का नाम गाड़ी जब प्यार किसी से होता है सनम जब यार किसी की आती है जाने मन सच बंधन कंगन चंदन झूला चंदन कंगन बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला 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 दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा चल चल जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम सिंग विद मी कम ऑन ला 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 गुड डांसिंग ला 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 Yeah!
ओके 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 बाय। अरे वाह क्या ड्यूएट गाया। व्हाट इज द टाइम सर? 2:30। या हैविंग सम फन हाँ? या देयर इज अ होटल लिफ्ट और योर हाउस बाथरूम। इज आपका नाम क्या? वेल यू सी भूल गया सर। लिटिल रास्कल और जॉब देने की योग्यता इल्ले कादल ना कादल मुहब्बत। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हथियारी वेणम ने हिंदी में बदल चुरा पारवा। हम बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पट्टा पगल ले आदम पब्लिक प्लेस ले पार्टी लड़ो पार्ट सिनेमा माद्री। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी देर तक पराए मर्द के साथ लिफ्ट में बंद रही? पहले जवाब दे फिर अंदर जाना। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आग लगे तेरे प्रेम को ये तो वही मिसाल हुई। ये मौत कहां से आन मरा हमें बदनाम करने के लिए? उसे तो हैजा खाए कुत्ते की मौत मरे। मैं पूछती हूँ अभी तेरी उम्र क्या है पराए मर्द के साथ घूमने की? बोल। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन ये हरि बाबू है कौन? हरि बाबू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ हैदराबाद में एक बड़ा ऑडिटर है वो। तो क्या वासु हैदराबाद में नौकरी करेगा? हाँ हमा ना हैदराबाद पोमाटा एंडा पोमाटा ना वाला दां गोवा ले जाता वाला वाइन कुड़का वासु बस नहीं जाएगा। तेरे को जाना चाहिए पुत्र। क्यों पुत्र? उसे नौकरी नहीं जगन्नाथ जी छोकरी ही चाहिए। என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க? நிஷ்மரி ஜூலி तुम्हें और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारे गले में पट्टा है और मेरे गले में नहीं। अगर ऐसे तुम्हारी सूरत देखती रही तो मालूम होता है एक दिन पागल हो जाऊंगी और शायद तुम्हारी तरह भौंकने लगूंगी। इस कुत्ते की सूरत तो उस मुए की शक्ल से हजार गुना अच्छी है। कुत्ता तो ठीक है माँ लेकिन तुम्हारी शक्ल जो 24 घंटे देखनी पड़ती है। उस कुत्ते को देख देख के तू पागल हो जाएगी। ये तो वही मिसाल हूँ। देखो वो लफंगा हमारे घर के किस तरह चक्कर काट रहा है। उसे हैजा मारे तो ही हमारी जान छूटे। सारे शहर को अपनी बेशर्मी का तमाशा दिखाना चाहती है? चल चल के बैठ वहां सीधी तरह नहीं तो तेरी बोटियां उड़ाकर फेंक दूंगी नीचे सड़क पर उस कुत्ते के सामने। समझी? सपना सपना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सपना। सारा दिन नजर क्यों नहीं आए? घर वालों ने तुम्हें बंद कर रखा है क्या? बोलो इन्होंने मारा पीटा तुम्हें? सपना रोना ही सपना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलके एक हो जाए ना तो भी हम दोनों एक रहेंगे। आप इस तरह देखती क्या है? मैं देखता हूं ये लोग क्या कर लेंगे। संसार के प्रेम इतिहास में यह अध्याय एक बार नहीं बार बार आता है। जवान प्यार सिर्फ एक ही भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। बूढ़ी अकल वक्त की कब्र में गड़ी हुई सिर्फ दीवारें खड़ी करना जानती है। कभी भाषा की दीवारें, कभी साख की दीवारें, कभी दौलत की दीवारें, कभी नफरत की दीवारें। जब से इतिहास चला आ रहा है तब से बुढ़ापे और जवानी का यह संग्राम भी चला आ रहा है।
ना बुढ़ापे ने दम तोड़ा है अभी, ना जवानी ने हार मानी है। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम शादी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब आप जो चाहे कह सकते हैं। आप लोग हमसे बड़े हैं उम्र में, तजुर्बे में, फिर भी आप में से एक नहीं जो हमारे दिलों के अंदर झांक सके, हमें समझ सके। ये इसलिए नहीं समझते कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इन्हें बड़ा मानते हैं। अगर वासु मुझे चोरी छिपे भगा ले जाता तो आप लोग क्या कर लेते? आंसर है, हमने जो कुछ किया है मर्यादा के अंदर रह कर किया। अगर मर्यादा के बाहर चले जाते तो आप शर्म से मुंह ना खोल सकते, है ना? पाया मुड़ रहा बदमाश, तू शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर एक मांस खाने वाले लड़की से शादी करना चाहते हो, शर्म नहीं आती? मैं मांस मच्छी सब छोड़ दूंगी। ओहो, इतना बड़ा त्याग? ओके, ये त्याग नहीं है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा। शिवा शिवा, फिर पेट भरेगा आपका। सुन लिया आपने, ये सब इन तमिल वालों की चाल है, ये तो वही मिसाल हुई। हम भला अपने लड़के इस मद्रास से आए हुए लोफर को क्यों दे? क्या हमारे यहाँ लड़कों का काल पड़ गया है? लुक हियर, फिर वही भाषा का झगड़ा। अगर आपके लिए भाषा ही रुकावट है तो मुझे एक महीने का वक्त दीजिए, हिंदी सीख भी लूंगा और आपको सिखा भी सकूंगा, हिंदी में पोएट्री भी लिख के दिखा दूंगा। हाँ, कविता, पोएट्री, जस्ट वन मंथ। तुम लिखोगे बेटा, जरूर लिखोगे, लेकिन गोबर से हमारे माथे पर, इसी शुभ काम के लिए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है। सुनिए, कुछ सुमर गए, देखिए ये तो है ही बच्चे, लेकिन हम तो बड़े ही, हमने भी बड़ों जैसी बात नहीं की तो क्या होगा? ये तो सोचना होगा हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले हाथ हटाओ, है ये मगल है? इस उम्र का प्यार क्या है? केवल वासना, वासना माय फुट। ये शब्द पीढ़ियों से हर बाप दोहराता आ रहा है, ये भूल भी पीढ़ियों से हर बेटा करता आ रहा है, लेकिन हर बाप भूल जाता है कि वो भी कभी बेटा था। जब तक बाप नहीं मरोगे नहीं समझोगे, इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी शादी करवा दीजिए। बटवा रास्कल, फलूड़ में मुझसे हिंदी बोलता है रास्कल। ये सब बातें क्यों? हमारा प्यार सच्चा है, ये साबित करने के लिए बोलिए, हम क्या करें, हम करने के लिए तैयार हैं। देखो साहब, आप मुनासिब समझो तो मैं एक सलाह देता हूँ, एक साल के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दो, और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के बनना चाहें तो मान जाएंगे कि इनका प्यार प्यार है, वासना नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, उसके बाद हमें शादी करनी पड़ेगी इनकी। भैया, एक साल नहीं 100 साल के बाद भी मुझे ये शादी मंजूर नहीं। हेलो मुड़िया, मुड़िया ने कहने वाले तुम कौन होते हो जी? पहले मैं कहती हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मुझे मुड़िया दे। इस जगन्नाथ का क्या जाता है, जो मुंह में आए बक गया, इसका कोई ना आगे ना पीछे, ना बच्चा ना कच्चा। इतनी जल्दी इनकार ना कीजिए बहन जी, थोड़ा और सोच लीजिए। हाँ भगवान, सोचना तो चाहिए, जगन्नाथ का कहना भी कुछ ठीक ही मालूम होता है। क्यों वासु, ठीक है ना? ठीक नहीं, इल्क मतला, ये अग्नि परीक्षा है क्या? हम ना कहते हैं, बिल्कुल ना, एब्सोल्युटली नो। हम मान क्यों ना ले वासु, हम इनकी परीक्षा से डरते हैं क्या? ये कुछ भी कर ले, हमारे दिल नहीं बदलेंगे, हमारा प्यार नहीं बदलेगा, ये मेरा अटल विश्वास। ऐसा है तो ये एक साल तक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपस में खत भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इन दोनों को एक ही शहर में भी नहीं रहना चाहिए। मैं इसको हैदराबाद भेज दूंगा। हाँ, मौका मिल गया आपको। नो, आपने आपस में बैठ के फैसला कर लिया, बस हम वी डोंट एक्सेप्ट। वासु, ऐसा क्या है वासु, तुम ऐसी जिद क्यों करते हो? मान लो ना सपना, दिस ऑल लुक्स लाइक दिस इज प्री प्लान, तुम समझते नहीं हो। नहीं वासु, वो सिर्फ इतना। तुम इनकी बात छोड़ो, पहले हमें फैसला करना होगा। चलो। क्यों, फैसला यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ सिर्फ व्हाट डू यू से फॉर दैट,
गपला हो सकता है। Damn it! I hate this साबित करना business. दूसरे कौन होते हैं कहने वाले कि प्यार साबित करो? दूसरे कौन है वासु? हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया, उनका आशीर्वाद हमारे लिए अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। मेरी बात पे ध्यान दो वासु, प्यार के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, अच्छा चलन, थोड़ा सा सब्र और बहुत सा संयम। उनकी शर्तें मान लो वासु, मुझे विश्वास है इस भगवान की कृपा से हम इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे। प्लीज मेरी खातिर मान लो। राइट, लेकिन ये बड़े लोग हैं ना, बहुत चालू लोग हैं, आखिर में हमको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए कागज के ऊपर लिखवा लेना चाहिए कि एक साल के बाद वो हमारी शादी कर देंगे और उसके ऊपर उनके बड़ी सेफ होता है दस्तखत भी ले लेना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट? या वो भी स्टैंप पेपर के ऊपर। तो अब हम 365 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक गुड बाय। सपना, आई एम सॉरी वासु, हमारा एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। देखे बिना डैमिट आई कांट लिव विदाउट सीइंग यू। प्लीज डोंट शाउट वासु, वी आर नॉट सपोज्ड टू सी ईच अदर। जाओ वासु प्लीज, अभी तो हमारे एग्रीमेंट शुरू हुए चंद घंटे भी नहीं हुए, हम लोगों को कहने के लिए मौका क्यों दें कि इनका प्यार इतना कच्चा था, इतना कमजोर था जो चंद घंटों की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। और एक साल में तो हजारों घंटे होते हैं वासु, हमें अपना वचन पालना चाहिए, एग्रीमेंट निभाना चाहिए। वासु जाओ, प्लीज जाओ वासु। Damn your bloody agreement! मेरा कसूर क्या है? मेरा जुर्म क्या है? Why should I be banished from this place? मैं तुमसे कुछ घंटे ही दूर रहा, लेकिन रह न सका। अब एक साल कैसे रहूंगा? और रहूं भी क्यों? Why? इस शहर में तुम्हें जानने वाले, नहीं जानने वाले, जानवर, पंछी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चींटी भी तुम्हें देख सकेगी, सिर्फ मैं नहीं देख सकता। Damn it! अगर ये इंसाफ है तो इस अग्रीमेंट को तोड़ना भी इंसाफ है। तुम समझते क्यों नहीं वासु? क्या समझू? आई लव यू। ओ वासु, हमारे अग्रीमेंट कोर्ट या कचहरी का मामला नहीं, ये बनाया गया है हमारे प्रेम और विश्वास को बल देने के लिए। एक काम करो वासु। क्या काम? तुम एक साल के लिए मुझे अपनी आंखों में कैद कर लो, मगर मुझसे मिलने ना आओ। यू समझ लो ये 365 दिन अपनी जिंदगी में आए ही नहीं थे, उसके बाद तो मुझे देखते ही रहोगे, जिंदगी भर देखते रहोगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम चाहो वासु प्लीज, तुम
मेरी हालत समझ सकते हो। मैं खुद तुम्हें देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकती, और आज जब तुम मुझे मिलने आए हो, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। ये कहते हुए मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, लेकिन हमें ये तो बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। वासु जाओ। मुझे माफ करना सपना। मुझे माफ करना सपना। मैं जोश में आकर अपने होश को बैठा। अब मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे प्रेम के लिए मैं उस अग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगा। अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं, मगर सपना मैं तुम्हें याद किए बिना कैसे जीऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज एक लेटर लिखूंगा, मगर पोस्ट नहीं करूंगा। और 365 डेज की जितनी तुम्हारी यादें और तुम्हारे ख्याल होंगे, वो सब एक साल बाद तुम्हारे चरणों में रखूंगा। अब मैं जाता हूं। बाय बाय, तुम्हारा वासु। तुम हिंदी तो जानते हो ना? थोड़ा थोड़ा। अरे हिंदी पिक्चरें देखो, ज्यादा से ज्यादा सीख जाओगे। हाँ, अच्छा कहाँ रहोगे? वैसे तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ क्रॉनिक ब्रह्मचारी हूँ, न पत्नी न वो न रखेल। आओ, ये है तुम्हारा कमरा। इस खिड़की से देखो तो रामकृष्ण सिनेमा नजर आता, और उसमें एक तेलुगु फिल्म चल रही है, खट खटाल रुद्रैया। उस खिड़की से मत देखना, उस सामने वाले घर का बाथरूम नजर आता है। अच्छा आज तुम आराम करो, कल दफ्तर आना है? और फुर्सत मिले तो जरा हैदराबाद घूमो, यहाँ की रौनक देखो, खूबसूरती देखो, जरा मजा आएगा, और हो सके तो लाइन वाइन मारो। और शाम को जरा पिक्चर विक्चर देखो। पाकिदा देखी है कि नहीं? नहीं, नहीं देखी? क्या कर रहे हो? अरे वो तो कविता है, कविता। कविता? कहाँ खो गए भाई? मौसी हुजूर, हम आ गए। मौसी हुजूर, मौसी हुजूर, कहाँ हैं आप? अरे चक्रवर्ती, अरे आपके चरण कमल कहाँ है? यहाँ है, एक मिनट, मैं आपके चरण कमल छूकर ये जन्म सुधार लूं और अगला जन्म संवार लूं। जीते रहो, जीते रहो। लखनऊ में सब कैसे हैं? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे डैडी? अरे छोड़ियो उन बूढ़ों को। सपना बेबी कहाँ है? सपना? अरे वो तो सुबह से एक टांग पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सपना, ओ सपना, ये देखो यहाँ खड़ी है। सपना देखो तो कौन आया है। आओ चक्रवर्ती, आओ, सवेरे से एक टांग पर खड़ी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता? रामू, रामू, अरे रामू ऐसा क्या? वाह, लगता है तुम इस होटल में नए नए कबूतर आए हो। न्यू डिस्कवरी। मेरा नाम बेबी है, मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। मेरा नाम वासु है। क्या? मेरा नाम वासु है। ओह वासु, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम। तुम्हारी मूछें बड़ी शानदार है, शाम को पिक्चर चलोगे? मैं हिंदी अच्छी तरह नहीं समझता। हाँ, पिक्चर में समझने के लिए कौन जाता है गुरु,
लगता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तेज हूँ। मुझे तुम्हें इतनी जल्दी पिक्चर के लिए नहीं पूछना चाहिए था। दो दिन के बाद फिर पूछूंगी। ओके बाय बाय। चक्रवर्ती बेटा तुम्हें मर्दानगी दिखानी चाहिए। तो आप ही बताइए ना मौसी हुजूर कि हम क्या करें। पहले तुम छींकना बंद करो। तुम्हारे आने के बाद सपना को आहिस्ता आहिस्ता वासु को भूल जाना चाहिए, यहाँ तक कि उसका नाम भी मिट जाना चाहिए सपना के देव। सपना कैसा है ये? बहुत खूब सरकार, बहुत खूब। लेकिन जनाब इसकी तरतीब जरा बदल दी जाए तो? कैसे? बस, बस का मतलब बस हुजूर, यानी फुल स्टॉप। दिया सिलाइयों का खेल काफी हो चुका मेरे सरकार, अब सिनेमा तशरीफ ले चलिए। सच बड़ा मजा आएगा। हुजूर, हुजूर को पसंद ना हो तो सरकार अंदर पिक्चर देखे, गुलाम बाहर पोस्टर देखते देखते सरकार का इंतजार करेगा। नहीं चक्रम, मुझे बहुत काम है। क्या बड़ा काम है ये बकवास? सर। हाँ? एक छोटा सा डाउट है। किस बारे में? एक अग्रीमेंट के बारे में। दफ्तर में 1,00,000 अग्रीमेंट है, तुम किसकी बात कर रहे हो? माय लव अग्रीमेंट सर। हा 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 हा, उसका नंबर तो 1,00,001 है। वाह 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 वाह, ऐसा अग्रीमेंट तो मैंने किसी पिक्चर में भी नहीं देखा। मैं सपना से मिल नहीं सकता, उसे खत भी नहीं लिख सकता। अगर मैं उसके नाम एक खाली लिफाफा भेज दूं तो क्या हो सकता है? विल इट बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है वासु, दिल है तो दुनिया है। सपना सिर्फ एक नाम मिटाया था ना, अब देखो कितने पैदा हो गए हैं। अब क्या करें माँ? अजय सुनते हो? डैडी दे चुके हैं। बेशरम, मेरा माथा बाकी रह गया उस पे भी लिख दे। साहिबान, मैं शराबी हूँ, ये आप सब जानते हैं और सारा शहर जानता है। लेकिन शराब मैं बहुत तरीके से पीता हूँ। 9 बजे से पहले जितनी भी पी सकूं पी लूं, लेकिन ठीक 9 बजे मेरी पार्टी खत्म हो जाती है। 8:59 नहीं और 8:61 नहीं, 9 बजे का मतलब ठीक 9 बजे। इस मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये आप सब जानते हैं और सारा शहर जानता है। अरे ओ साफा, अरे साफा भाई आइए। न गिलास टूटे हैं अभी तक, न सर फूटे हैं। पार्टी के जमने में इतनी देर कैसे हो गई? नथिंग सेंसेशनल? ओ मीट आवर न्यू फ्रेंड। हेलो यंग मैन, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। आई एम पेनी। आई एम वासु। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू ड्रिंक? पान प्लेन और सोडा? ओ नो, आई डोंट ड्रिंक। यू डोंट ड्रिंक? भोला भाला रामपुर का लक्ष्मण। ओ इनसे मिलो, मिस्टर राम सिंह, ये भी गोवा में ही रहते हैं। अच्छा, गोवा में कहाँ रहते हैं? पाना जी, पाम बीच लाइट हाउस के पास। सो चीयर्स टू आवर पोंगा पंडित। एक्सक्यूज मी, आप भी पार्टी में आए हैं? नहीं, पार्टी से भाग कर आया। ओह, आप भी पार्टी से भाग कर आई?
बेनी साहब मेरे बड़े भाई हैं। ओह, मैं हरि बाबू का कंपनी में, यू नो ऑडिटर हरि बाबू ना, उसका कंपनी में मैं नया भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। मेरा नाम वासु है। बैठिए। मेरा नाम वासु है। My name is Vasu. आपको बार बार अपना नाम बताने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संध्या है। बहुत अच्छी नाम है। अच्छी? अच्छी नाम नहीं, अच्छा नाम। अच्छा अच्छा, मैं हिंदी नहीं जानता ना, इसलिए ग्रामर में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मद्रासी हूँ, तमिल मेरी भाषा। अच्छा, टेल मी, स्विमिंग पूल ऐसा क्यों, तन्नी है लामा, आई मीन देयर इज नो वाटर? कुछ लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही होती है, इस पूल की तरह खाली। मैं तमिल के दो शब्द जानती हूँ, वनक्कम सापाड। मैं एक हफ्ता मद्रास में रही अपने उनके साथ। ओ, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो भी गई और खत्म भी हो गई। हवाई हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मेरे पति का देहांत हो गया। I'm so sorry. आदमी जिंदगी की बारात में शामिल होता है तो भूल जाता है मौत का जुलूस बहुत पीछे नहीं। हंसी के कमल खिलते हैं तो आमतौर पे आंसू की झील में खिलते हैं। ये सब उसी की लीला है। मुस्कुराहटें भी वही देता है, हाथों भी वही देता है। आपकी हिंदी बहुत मीठी है। हिंदी है ही मीठी। Right, मीठी। आप मुझे हिंदी सिखाओगी? If you don't mind. इतने सारे नाम, ये सब मिलके गिनती में कितने होंगे? हजारों होंगे, क्योंकि वासु हजारों में एक है। हुजूर, वासु हजारों में एक, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कम से कम उन हजारों में आप दूसरा मुकाम तो हमें इनायत कर सकती हैं ना? मतलब? अर्ज करता हूँ, वो देखिए, हमने अपना नाम सिर्फ एक बार लिखा है, बड़े प्यार से, चक्रम। आप उसे मिटाइएगा नहीं, वरना हमारे सारे अरमान मिट जाएंगे। साल भर के बाद अगर वासु ना आया तो, नहीं नहीं एक बात के लिए, तो कम से कम आप हमारे नाम पर गौर तो फरमा सकती हैं। अच्छी। मुझे माफ करना सपना, मैं जोश में आकर अपने होश को बैठा। अब मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे प्रेम के लिए मैं उस अग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगा। अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं, मगर सब होगी सौतेली माँ। सौतेली तेरा बुरा भला क्या सोची? मैं तेरी सगी माँ हूँ, तेरी भलाई के लिए तेरी जान भी ले सकती हूँ। अगर तेरे पागलपन का यही हाल रहा तो मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी, समझे? तुम मुझे मार सकती हो, मेरी यादें नहीं मिटा सकती, वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो? क्यों, तुम भी मेरे साथ आओगी? जहां जहां मेरा दिल जाएगा, मेरी यादें जाएंगी, तुम सब जगह जा सकती हो। चलो। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की नहीं बुझे।
जलती है हर चिंगारी। वासु क्या हुआ? क्या हुआ वासु? वासु बोलो प्लीज, क्या हुआ? क्या हुआ वासु? वासु, वासु, वासु।
जब मिल जाएंगे दोनों हम तुम दोनों जब मिल जाए दोनों हाँ दोनों दोनों जब मिल जाएंगे हाँ फिर एक नया इतिहास रचाएंगे रचाएंगे बनाएंगे ठीक रहेगा ना ठीक नहीं ब्यूटीफुल थैंक यू बनाएंगे हाँ और अगर हम नहीं मिल पाए तो और अगर हम ना मिल पाए तो ना नहीं और अगर हम ना मिल पाए तो या हाँ हम ना मिल पाए तो आगे तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे वाह वाह तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे सुनो पोस्टमैन उस घर में जो चिट्ठी दी है वो कहाँ रह गई है मालूम नहीं हैदराबाद से आई है बोलो ना मालूम नहीं छी कैसा पोस्टमैन कुछ भी नहीं बाजू बेटी तुम सुबह पोस्टमैन से पूछ रही थी ना ये चिट्ठी वासु की है वो ठीक ठाक है नौकरी अच्छी है और हैदराबाद में बस बस हिंदी में लिखा है देखो मैं कुछ देखना नहीं चाहती हूँ मुझे मालूम है आप ही वासु के बारे में बात करेंगे और फिर आप ही इल्जाम लगाएंगे कि मैंने एग्रीमेंट तोड़ा है मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं ना वासु के बारे में जानना चाहती हूँ ना हैदराबाद के बारे में जानना चाहती हूँ ना उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ भगवान के लिए आप आइंदा मुझसे मिलिएगा भी नहीं देखिएगा भी नहीं और बात कीजिएगा भी नहीं नमस्कार हरि बाबू सौख्यवान आओ आओ राम भक्त हनुमान कैसे हैं आप अपना क्या है एफिशिएंट बैचलर एंड हार्मलेस ऑडिटर सॉरी एफिशिएंट ऑडिटर एंड हार्मलेस बैचलर नथिंग सेंसेशनल ना पत्नी ना वो ना रखेल कैसा है मेरा बेटा सपना प्रीत का देखा हरि बाबू आते ही सीधा पूछता है सपना कैसी है ये नहीं पूछा माँ कैसी है अच्छा माँ कैसी है बस अब बताइए सपना कैसे है कद्दू की तरह है देखा हरि बाबू इसका मिजाज मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए कि सपना का नाम तक उसके दिल से मिट जाए इसी शहर में एक लड़की रहती है हमारे अपने मद्रास की है और जाति और गोत्र सब मिलता है मैं चाहता हूं कि वासु का ब्याह किसी न किसी तरह उससे कर दिया जाए शिवराम जाति और गोत्र पुराने किस्से हैं आजकल नया जमाना प्रेम पहले शादी बाद में लेकिन एक गोलमाल करेंगे क्या प्रेम कहानी में लड़की को बदल देंगे कैसे उस लड़की को टाइपिस्ट के काम पे लगा देंगे अपने ऑफिस में फिर क्या दोनों एक दूसरे को देखेंगे अखियों के झरोखों से बातों बातों में मोहब्बत फिर प्रेम विवाह लेकिन ये कैसे हो सकता है इसका क्या गारंटी है अरे गारंटी क्या मैंने ऐसे कई केस देखे हैं छोटी सी बात हाँ। लड़की का नाम क्या है तुलसी तुम्हारी उम्र क्या होगी हेलन जितनी जीना तमाम टीना मुनीब एक कौन लोग हैं अरे बाप रे तुम हिंदी फिल्में नहीं देखती हो क्या मैं सिर्फ तमिल पिक्चर्स देखती हूँ सिर्फ तमिल ओ माय गॉड तमिल तमिल कादली के नारे मिलने देखी है क्या
देखी है, ओह लवली। उसका मतलब क्या है? प्रेम करने का वक्त नहीं, यहाँ बहुत वक्त मिलेगा। अरे रे रे रे, मौसी हुजूर, ये आप क्या जला रही हैं? आओ आओ, तुम्हारे डैडी ने मुझसे शर्त लगाई थी, ये फोटो जल नहीं सकती, मैं जला के दिखा रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने ऐसी वाहियात शर्त कब लगाई थी? बकवास बंद करो। वही मिसाल हुई, मैं ही जीत गई। साहब आपका चाय। आप यहाँ? पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल आंखों को अच्छा लगता है ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, आप नाचना जानती है क्या? पहले नाचती थी, अब नहीं। क्यों? सब कुछ उनके साथ चला गया। ओह, लेकिन आपने क्यों पूछा? सोचा आप मुझे नाचना सिखा सकती हैं। जी क्यों, मैं इस लायक नहीं हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको इस प्रयास की क्या जरूरत है? मैं इस प्रयास से अपने शरीर को इतना थका देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर का तूफान कुछ कम हो जाए। ओह, योग मुद्रा? नहीं, योग निद्रा। सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन खर्च बहुत आएगा। गुरुदक्षिणा? गुरुदक्षिणा तो बाद में। तो पहले क्या? पहले गुरु के चरण छूने पड़ते हैं। प्रणाम। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। Thank you.
हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, हम दोनों जब मिल जाएंगे। जब हमसे बेदर जमाना कहता है, मेरे भाई जो नामों में कितने हैं नाम किताबों में, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे, अकेली क्यों बैठी हैं? जनाब आप मेरा एक काम कीजिएगा। हुक्म फरमाइए। मैंने अपने कमरे की दीवारें वासू के नाम से भर दी है ना? हाँ, आप किन के बता सकते हैं कितने वासू मेरे कमरे में हैं? फॉर रन आई विल रन। नल्ला इर्केन, नल्ला इर्केन, इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सत्तर अठहत्तर अस्सी अस्सी इक्यासी बासी तिरासी चौसी पचासी छियासी पचासी छियासी सतासी। अरे किधर गया, किधर घूम गया? कमाल है सीताराम,
मैं जब भी तुमको दौरे पर भेजना चाहता हूँ तुम्हारी माँ का शरारा आ जाता है। मैं पूछता हूँ कितनी माए हैं तुम्हारी, कितनी? अरे गूंगे क्यों हो गए हो संजीव कुमार की तरह, कोशिश में बोलो। पिछली बार मेरी माँ का नहीं, मेरी माँ की माँ का श्राद्ध था। माँ की माँ का श्राद्ध था, आई सी। अगली बार किसका होगा, तुम्हारा, मेरा, किसका बोलो? मैंने तुम्हारे मैंगलोर जाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, अब लास्ट मोमेंट पे किसको भेजूं, किसको? फिर मैं चुप रहूंगी, देखी क्या? सर आप कहें तो मैं चला जाऊं। तुम इस काम के बारे में क्या जानते हो भाई? जान लूंगा सर। अच्छा, तुम सीताराम की मदद करना चाहते हो? जी नहीं, ये तो मेरे अपने लिए बहुत मदद होगी। किसी ने किसी को तो भेज नहीं है, तुम चले जाओ। ओके। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। वो स्टिकर वाली गाड़ी किसकी है? वो है ललका। हाँ। वो मिस्टर चक्रवर्ती की। वो वहाँ से आए हैं, उन्होंने आपके स्टूडेंट्स ग्रुप के बारे में पूछा और यही कमरा ले लिया। रूम नंबर 219। 219। जासूसी करने आए हो? आप नाराज मत होइए सरकार, वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हम आप पर आंख रखें, उन्हें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो वही क्यों नहीं रोक लिया? वो मुझे इतना बेशरम समझती है कि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं 100 स्टूडेंट के साथ आई हूँ। मेरे साथ कितनी लड़कियाँ आई है, कई टीचर आए, वो तुम्हें मेरा पीछा करते देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सरकार, हम ना आपका पीछा करेंगे और ना ही आप पर आंख रखेंगे। वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हम, हमारी सास हुजूर जो ठहरी। हमारी सास? एग्रीमेंट से लगे तो। शट अप। की इजाजत हो तो हम जरा नहा ले। बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना? मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना?
एक डोर खींचे तू जा तोड़ा चलाए, एक डोर खींचे तू जा तोड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई ओ, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। जनाब टूरिस्ट गाइड है क्या? सपना कहाँ है? वो जरा बाहर तशरीफ ले गई है। आप कौन है? हम उनके पति हैं। पति? तकरीबन। What do you mean? होने वाले पति। सोचा घर बसाने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए। सपना तो चली गई अपने होने वाले पति की गाड़ी में। रास्ते में दोनों अकेले चढ़ करके मजे उड़ाते रहे। दोनों होने वाले मियां बीवी हैं, कुछ भी करें, हमें क्या? मिस आप कौन है? मी आई एम अ ब्लडी फूल। बैंगलोर से कब वापस आए? तुम्हें क्या हुआ वासु? कुछ तो बोलो। संध्या इसे चलने दो। Thank you.
वासु, वासु, तुम एक आंधी की तरह नाच रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं आंसुओं के भंवर में डूबना नहीं चाहता, इसलिए मैं अब तक ऐसी गहरी योग निद्रा में था, अपनी आंखों में सुवा भी चुभो लेता तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब निद्रा टूट गई है और काली भयानक सच्चाई अपने नंगे रूप में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। पासो, तुमने हमेशा कोई दर्द मुझसे छुपाने की कोशिश की, वो कभी बाहर आने भी लगा तो तुमने हमेशा उसे अपने गले में ही रोक लिया। तुम मुझे अपना दर्द बता नहीं सकते? ये दर्द नहीं, जहर है जिसे मैं ना अंदर पी सकता हूँ ना बाहर उगल सकता हूँ। सामने जहां तक नजर जाती है अंधेरे की समंदर ही समंदर नजर आते हैं, मैं डूब जाऊंगा संध्या। संध्या, मुझे एक सहारे की जरूरत है। वासु, मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा, तुम्हारी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं। सिर्फ आंखें नहीं संध्या, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी आत्मा जल रही है। मुझे ऐसी ठंडी छांव चाहिए जिसके नीचे मैं सारी यादें भूल जाऊं, सारी यादें। वो छांव तुम क्यों नहीं हो सकती? शादी करना चाहती है? हाँ? बोलो। अगर आप मुझे इजाजत दें, हाँ कहकर। तेरी ये हाँ सुनने के लिए मैं कितनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। संध्या, अगर तेरी इस हाँ से तेरा घर दोबारा बस जाए तो तेरे भाई के लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरी शादी होगी और जरूर होगी। हाय, तुम हैदराबाद में? इस एग्जीबिशन में मैंने कुछ स्टाल लिया है। जानना चाहते हो ये कौन है? ये मेरी होने वाली बीवी है। गोवा में जाके बोलो मुझे भी शादी करनी आती है। सच? हाँ, मैं उसे हैदराबाद में मिला और उसने मुझे अपनी होने वाली बीवी से भी मिला है, वहीं की रहने वाली है। वाह, क्या जिस्म है, क्या जोबन है, क्या आंखें हैं, क्या अदाएं हैं, क्या ऊंचाइयां हैं, क्या गहराइयां हैं, वाह! हाँ,
करो बेटी, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आई हूँ। पहली बार तुम हमारे घर आई हो, एक मिनट ठहरो। लो बेटी, मुंह मीठा करो। ये मिठाई वासु की मंगनी की है। क्या कहा? वासु किसी और से शादी कर रहा है ना? कौन कहता है? बोलिए, ये सच है कि नहीं? ये नहीं हो सकता, वासु हमें बताए बिना कैसे ब्याह कर सकता है? तो जो बात मैंने सुनी वो झूठ है। झूठ वो नहीं, झूठ आप कह रही हैं, बेटे के प्यार के कारण। प्यार के कारण तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरे बेटे को समझा तो इतना ही समझा? वासु अपने वचन से कभी नहीं पलटेगा। मैं वासु को जन्म से जानती हूँ और तुम मुझे सिखा रही हो। ठीक बोली अजड़े। वाह, तुम तो बिल्कुल राजा राम निकले। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी राम के तरह झूठे बेर खाने का शौक है। हाँ, तजुर्बे वाली औरत हो तो सब कुछ संभाल लेती है। यही सोचकर तुम उस विधवा से शादी कर रहे हो क्या? Will you please get out? मुझे नहीं मालूम तुम मर्दात औरतों में देखते क्या हो कि फौरन मरने के लिए तैयार हो जाते हो। उसका कोई रीत रिवाज तौर तरीका है या नहीं कि सिर्फ बड़ा सा घर, बड़ी बड़ी आंखें, आगे पीछे बड़ा बड़ा है तो बस है क्या? लेकिन बेबी, मैंने तो तुम में कुछ भी बड़ा नहीं देखा सिवाय तुम्हारे गंदे मुंह के। हेलो बेबी, वासु ने तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिया कि नहीं? समझ में नहीं आता, तुमने भी वो बड़ा बड़ा क्या है जो वासु को पसंद है सिवाय इस बड़े तिलक के। एक्सक्यूज मी, आप सपना है ना? जी। और आप? आपसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया। माँ घर में है, आप अंदर जाइए। प्लीज वन मिनट, मेरा नाम संध्या है। अच्छा, मैं हैदराबाद से आई हूँ। ओ, मैं वासु की दोस्त हूँ। अंदर चलिए। फिर आपका कॉलेज? अच्छा ठीक। हेलो बनी साहब। आओ वासु। अरे भाई, अपनी शादी पे तुम भी कुछ काम करो, इन कार्ड्स पर एड्रेस ही लिख दो। संध्या नहीं है? वो शहर से बाहर गई है। अपनी सहेलियों को शादी का इनविटेशन देना। क्यों, वो लोग सिर्फ कार्ड पे नहीं आ सकते क्या? वही आजकल ऐसा ही होता है। आइए। ये सब किसने लिखा है? मैंने, माँ का हुक्म था मैं वासु का नाम भी जबान पे न लाऊं।
उस हुक्म का ये जवाब है मेरा। हमारे प्यार के रास्ते में माँ ही सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ, वासु मुझे बता चुका है। ओह, वासु ने आपको सब कुछ बता दिया है? वो न बताता तो मुझे कैसे मालूम होता। हम जब भी मिलते हैं सिर्फ आपकी बात होती है। आप दोनों इतने करीब हो गए हैं? हाँ, इतने करीब कि एक दूसरे को छूते भी हैं। यस, हम जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मेरा वासु कैसा है? ये अब तक 30 बार पूछ चुकी हैं आप। गिनिए नहीं, प्लीज, मैं लाखों बार पूछूंगी। वासु कैसा है? ऐसा पूछने से हमारा एग्रीमेंट तो नहीं टूटेगा ना? आदमी बुरा नहीं है बेचारा, लेकिन है बिल्कुल सिंपलटन। लखनऊ से साहब बहादुर उम्मीद लेकर आए हैं कि मैं उनसे शादी करूं। एग्रीमेंट फेल हुआ तो? ये एग्रीमेंट कभी फेल नहीं होगा। अच्छी, उन्हें देखिए, वो वासु की माँ है? नहीं, मेरी सास। सपना, मैं आज के फ्लाइट से जा रही हूँ। इतनी जल्दी? जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया। कौन सा काम? सच बताऊं? जरूर। मैं अपनी शादी के बारे में फैसला करने आई थी। अच्छा, तो क्या फैसला किया आपने? अरे, ये तो कॉफी है, मैंने चाय ऑर्डर की थी। ओह, शायद मेरा कॉफी का प्याला आपके पास चला गया। थैंक यू। थैंक गॉड, मैंने आपका प्याला छूटा नहीं किया। हेलो। हेलो, कब वापस आई? सवेरे। मुझे बोल के भी नहीं गई थी। हेलो, हेलो, टिकट मिल गया? भेज दिया? अच्छा ठीक है, थैंक यू। संध्या, तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है? नहीं तो, लेकिन तुमने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? प्लेन का टिकट है मेम साहब, वो ट्रैवल एजेंट लाके दिया। अच्छा, अब्दुल्ला, आज तारीख क्या है? 18 दिसंबर। और साल? मेम साहब। बोलो। 1979। 18 दिसंबर 1979 ना? अब तुम जा सकते हो। देखो ये क्या है? शादी के कार्ड है मेम साहब, डाक में डालने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी खामोशी मुझे पागल बना रही है। Damn it! समझे? अच्छा, तो तुम गोवा गई थी? अच्छा, सपना से मुलाकात हुई? हाँ हुई। ओ, इसीलिए नई शोखी, ये नया अंदाज। ओके, सपना ने क्या बताया? सपना ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे प्रेम के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां तुम दोनों बाहों में बाहें डालकर घूमते थे, उन दिनों की बातें भी बताई
जो तुम दोनों के लिए आते बहुत देर से थे और जाते बहुत जल्दी थे, और तुम्हारा वो लंबा चौड़ा लव एग्रीमेंट, उसकी बड़ी बड़ी तमाम शर्तें, सपना ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, उसने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने ये नहीं बताया तुम्हें कि अग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही वो किसी पैसे वाले बास्टर से शादी कर रही है? वासु, मुझे कल जैसा अधिकार होता तो ऐसी नीच बात कहने पर मैं तुम्हारी मुंह पे तमाचा मार देती। तुम्हें कोई भी ऐरा गैरा मिला, उसने कुछ भी कहा, तुमने मान लिया? जिस आदमी को तुम मैंगलोर में मिले थे वो सपना को चाहता है, लेकिन सपना उसे नहीं चाहती। Well, that makes no difference. That makes all the difference. जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है, जैसे कि तुम में और सपना में है। सपना तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, वो ये एक मिनट भी तुम्हें नहीं भूली। वो बिचारी तो तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही है, एक एक क्षण गिन रही है। तुम इतना ही बता दो, तुम्हारा एग्रीमेंट कब खत्म होता है? तुम्हारी दोबारा मिलने की तारीख कौन सी है? बोलो। दिसंबर 19, 1979। यानी कि कल। और उस कल की राह देखते देखते उसकी आंखों में नासूर हो गए हैं। तुमने कितनी आसानी से भुला दिया उसे और चल पड़े मुझसे शादी करने। सुना है एक बार सपना के कहने पर तुम नदी में कूद गए थे इसलिए कि उसे मझधार में छोड़ने के लिए। संध्या, संध्या तुम जानती हो, जब मुझे आवेश आता है तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोच सकता, यही मेरी कमजोरी है। लेकिन इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी, और ना ही मेरे आवेश ने इस तरह कभी मुझे धोखा दिया था। उस दिन मैंगलोर में मैंने जो सुना वो सच है या नहीं, सपने से सीधा जानने का तरीका भी नहीं था मेरे पास। जानने की जरूरत भी क्या थी? क्या तुम एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने तक नहीं रुक सके? यही प्रेम है तुम्हारा? तुम्हारा मन इतनी छोटी बातों से हिल जाता है तो ना तुम्हें प्रेम करने का अधिकार है, ना प्रेम मांगने का। संध्या, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? वो भी मुझे बताना होगा। ये लो गोवा का टिकट, तुम अभी चले जाओ। इतना कुछ हो जाने के बाद? शुक्र है, वो होने से पहले ये हो गया, इसीलिए मैंने शादी के कार्ड रोक दिए थे। संध्या, अब तुम? मैं ही रहूंगी। मेरी तन्हाइयां पहले भी मेरे साथ थी, अभी मेरे साथ रहेंगी। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सच्चा प्यार जीत जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन तुम जैसी देवी को इस तरह छोड़ के जाऊं तो क्या सपना मुझे माफ करेगी? सपना, सपना को ये सब मालूम हो तो ना। तुमने सपना को कुछ नहीं बताया? संध्या, तुम आन के आन में इतनी ऊंची हो गई हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख सकता। अच्छा, मैंने सब कहा है। मेरे बारे में भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन संध्या, मैं कैसे? नहीं, मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, ये मैं खुद कह रही हूँ। जाओ वसु, तुम्हारे प्लेन का वक्त हो गया है। याद रखना, आज तुम जा नहीं पाए तो तुम सपना से कभी नहीं मिल सकोगी। सपना तो बस सपना ही हो जाएगी। जाओ। संध्या, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं सपने से शायद अब भी नहीं मिल सकूंगा। इतना तो बता दो, तुम्हारे आने से पहले उसने कुछ कहा था? आने से पहले उसने पहले मुझे यहां चूमा, वो मेरे लिए था, फिर यहां
ये तुम्हारे लिए था। संध्या, तुम्हारे माथे की वो लाल लाल बिंदिया क्या हुई? किस्मत मेरे हाल पे रोई तो उसकी आंसुओं में बह गई। तो जो कुछ मैंने सुना है वो सच है? वो चला गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बता भी देती तो तुम क्या मेरी तकदीर बदल सकते थे? भैया, आज फिर एक बार साबित हो गया कि सुहाग का सुख मेरे भाग्य में ही नहीं है। सुबह की फ्लाइट से वो पंजे पहुंच रहा है। सुना है बाबू किसी लड़की से मिलने आ रहा है। कुछ भी हो जाए उन दोनों को मिलने मत देना। उसके हाथ तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ दो, हो सके तो उसकी जान भी ले लो। बेनी साहब, मेरी रगों में जो आपकी एक एक विस्की की बूंद बह रही है वो आपकी शुक्र गुजार है। मैं आपका एहसान कभी भूल सकता हूँ? मेरी बहन से वो दवा कर जाए और वहाँ किसी दूसरी लड़की के साथ तुझे नो चलम। I don't want him to be alive. Understand? Kill him. Samjhe? Kill him. Samjhe, aapka kaam ho gaya. Good morning, Sapna. Aaj itni jaldi uth gayi? Main suraj ki raah dekh rahi hu. Kyun? Aaj suraj grahan hai kya? Grahan to laga hi raha 365 din. Unhe din bhi kehna bhool hai. Puri ek saal lambi kali raat thi. Theek hai. Aaj grahan khatam. Aaj ka suraj मेरी जिंदगी को अपने साथ ले आएगा, मेरे वासु को। हम भी चाहते हैं कि आपका वासु वापस आए, लेकिन ऊपर वाले का आज तक रिकॉर्ड है, वो हमेशा सच्चे प्रेमियों के साथ निर्दयी रहा है और इसलिए हम अब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा नंबर दूसरा ही है, पहला वो लो सूरज आ गया, आपका वासु भी जरूर आएगा। सपना, हम तहे दिल से चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। क्या शादी की तारीख बदल गई है? तुम्हें किसने बताया? बड़े साहब बोल रहे थे। किससे? टंकाल में गोवा वाले राम सिंह से बातें करते थे। बहुत गुस्से में थे, बहुत नशे में भी थे। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि उन्हें वासु साहब का खून करने का हुक्म दे रहे थे। नहीं संध्या, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि किसी की जान ले सकूं। रात पता नहीं अनजाने में मैं क्या क्या किया, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि वासु की जान ले लो? इसलिए कि तुम शराबी हो, जब भी पी लेते हो उस वक्त मालूम नहीं होता क्या कर रहे हो और क्या बक रहे हो। उस वक्त पहले कौन सा जानवर जाग उठता है तुम्हारे अंदर और इंसान सो जाता है? हेलो, दिस इज 34390, बुक एन अर्जेंट कॉल टू गोवा प्लीज, मेक इट अ लाइटनिंग कॉल प्लीज। गोवा राम सिंह का नंबर क्या है? 5100। वो तो सवेरे ही चले गए हैं बाहर। राम सिंह बाहर चला गया, अब क्या करें? बोलो। देखिए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है,
किसी तरह बुला सकती है या खबर दे सकती है? कोई पता ठिकाना मालूम है उनका? मैं तो इतना जानती हूँ, ये एक बार घर से बाहर निकल जाए ना तो पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ सकती। आप बता सकती है आपके पड़ोस में जो शिवराम जी रहते हैं उनका फोन नंबर क्या है? उनके घर में फोन कैसे हो सकता है? तो शिवराम जी के ऑफिस का नंबर तो मालूम होगा? प्लीज, मुझे नहीं मालूम। ये तो बहुत बुरी बात हुई, वासु घर आने के लिए यहाँ से चल पड़ा है, लेकिन लेकिन उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। हैराम। हाँ। समझ गई, तुम्हें इस तरह मिन्नत करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मैं खुद जाके बता दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इसका फोन था? रॉन्ग नंबर। रोको 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 रोको, बस लो। टनी साहब। अरे रखो जी। वासुंदर जी, वासुंदर जी। वन मिनट। अरे अरे शिवराम जी, आपका पुत्र आ रहा है, आप इधर किधर जा रहे हैं? मुझे मालूम है जी, तुमसे सुमार है। என்னடா கண்ணு இப்படி ஏறி போயிட்டே ஒரு வருஷத்துல? சீச்சி வணக்கம். இது காபி கொண்டு வரே. வணக்கம் புத்தர், வணக்கம். சௌக்கியமா? मैं पहले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, फिर पूछता हूँ आपकी सेहत कैसी है आजकल? तशरीफ रखिए जनाब। बल्ले बल्ले पुत्र है, अरे तू तो फ्लोरी सिंधी बोलने लगा है। पिताजी कहाँ? अंदर गए हैं। बाथरूम में? तुम्हें कैसे मालूम? हो सकता है मुझे मुंह दिखाने के लिए शर्मा रहे हो। जाने दीजिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा अच्छा। वासु कहाँ गया वो? अरे तुम दोनों बाप बेटे आंख मिचोली खेल रहे हो क्या? नहीं जी, मैंने सोचा कि आते ही उसका मुंह मीठा कराओ। नमस्कार सासु माँ, कहिए आपके मिजाज कैसे हैं? आप इस तरह क्यों देख रही हैं? मैं हूँ वासु, आपने वक्त की जो हद बांधी थी वो पूरी हो गई, आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ। लेकिन यहाँ दामाद का कोई स्वागत नहीं, खातर वातर कुछ नहीं। पायलागों प्रोफेसर साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरे स्वास्थ्य को मारो गोली, पहले ये बता दो तुम ऐसे फड़फड़ाती हिंदी कैसे बोल रहे हो? टकाल टकाल, धमाल धमाल। सासू जी की यही ख्वाहिश थी ना कि मैं हिंदी सीख सकूं। कहिए कहाँ की भाषा सुनाऊं आपको? दिल्ली की टकसाली जुबान, मेरठ मुरादाबाद की खड़ी बोली, मथुरा वृंदावन की ब्रज भाषा, अयोध्या की अवधी, बिहार की भोजपुरी या पंजाब की पंजाबी। ओ सुनियो मकलां दे पेड़ियो, की गले कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो पापा जी। ये पंजाबी है ना पापा जी? हुजूर आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं? अंदर तशरीफ ले जाइए और दुल्हन से कहिए बाहर दुलामिया आए हैं शादी खाना आबादी के लिए। सौफी सदी उर्दू? हुजूर सौफी सदी उर्दू। उठिए सासू माँ उठिए, आपके पांव के नीचे दिल है एक, जरा आपको जहमत होगी, ये लखनऊ है। आधा बस आधा बस। ओ ससुरी, तू कान लगा के का सुनत है? अंदर जाके बुलावत नहीं हमार दुल्हनिया का? दैयरी दैया, ऐसी भाषा तो हम भी नहीं जानत। ये कौन सी भाषा? अवधी। तू अजून तला की दरिश कर ली, चल भाग यहां से। बम्बैया। ओ सासुमा, आप तो सूख सूख के तिनकवा हुई गई न, ये हमार बिरहा का असर बाका। अरे लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख। क्यों प्रोफेसर साहब, ये काफी है या और हिंदी सुनाओ? बहुत हिंदी हो गई, सचमुच बहुत हिंदी हो गई, टकाल टकाल, धमाल धमाल। फिर इतना बता दीजिए प्रोफेसर साहब, सपना अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या अंदर वन सवर का तैयार हो रही है? कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन
एक बात माननी पड़ेगी सरकार, सपना के लिए आप ही बिल्कुल फिट हैं हुजूर, बिल्कुल फिट। ठीक है, लेकिन सपना कहाँ है? आप नहीं जानते? नहीं। हम जानते हैं। पूछिए। कहाँ? वो अच्छी। वो आपका लव स्पॉट है ना, उसके पास समुंदर है, समुंदर के पास पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, और मंदिर में हाथ लगी हो भगवान का सब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता।
भाषा ही दूसरी है। इसमें जो हार जाता है उसे कहते हैं जीत गया, और जो जीत जाता है उसे कहते हैं हार गया। इसमें जीतने वाले शादी कर लेते हैं और हारने वाले एक दूजे के लिए जान दे देते हैं और अमर हो जाते हैं।